हेलो एवरीवन, हैप्पी गार्डनिंग। तो देखिए, बूंदाबांदी सी चल रही है और इससे पहले मैं सोच रही थी कि बारिश का मौसम तो हो रहा है, लेकिन ठंडे ठंडे से मौसम में गमलों को अच्छे से लगा लिया जाए और जो पेड़ पौधों की कचरा है, जैसे कि देखिए इस तरीके से पड़ा हुआ है जगह जगह पर, क्योंकि कुछ पौधों की मैंने कटिंग की थी सुबह, अब तो 10:30 बजे का टाइम हो रहा है, तो इधर उधर कचरा फैला पड़ा है, मैंने कहा साफ़ कर दूँ, लेकिन फिर से जो है बूंदाबांदी बढ़ने सी लगी, तो बारिश लगता है तेज़ होने वाली है। देखिए बारिश पड़ रही है तो कुछ पौधे जो है ना ऐसे हो गए हैं, मतलब देखिए ये हालत हो रही है, ये गिर गए हैं ज़्यादा बारिश की वजह से। और गॉन फिरेना का प्लांट तो होते भी ऐसे हैं नाजुक से, बारिश ज़्यादा पड़ती है, हवा जाती है, फिर गिर जाते हैं। कुछ मैंने बांधे हुए भी है, कुछ प्लांट्स मैंने बांधे हुए हैं, ये देखिए ये भी कटिंग किया जाएगा, मोरपंखी का प्लांट, और कुछ प्लांट्स की मैंने कटिंग भी की है। प्लांट्स कुछ अच्छी कंडीशन में तो होते ही हैं, बरसात में बारिश में प्लांट्स हरे भरे रहते हैं, सभी प्लांट्स हरे भरे हैं। देखिए यहाँ पर भी कंडीशन ठीक ही है प्लांट्स की, लेकिन कुछ प्लांट्स जो है जब मैं यहाँ पर नहीं थी, लगभग एक हफ्ते से भी ज़्यादा ही लग गया मुझे, शादी में गई हुई थी, तो कुछ प्लांट्स में ना पॉट में पानी भर गया था, तो वो ख़राब हो गए हैं। देखिए इधर क्रिसमस का भी ऐसे ही हो गया, ओवर वाटरिंग से जो भी प्लांट पॉट में पानी भरा हुआ रहा और ड्रेनेज से वो निकल नहीं पाया, बंद हो रहे थे, तो देखिए अभी भी पॉट से पानी नीचे को निकल रहा है और इधर उधर मेरा सारा सामान फैला पड़ा है, जगह जगह आपको पत्ते और कचरा दिखाई देगा प्लांट्स का, क्योंकि कुछ मैंने प्लांट्स की कटिंग भी की है और सड़े गले पत्ते भी हटाए हैं। तो जब साफ सफाई हो जाएगी तो मैं आपसे वीडियो शेयर करूँगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी गार्डनिंग।